वेलकम बैक डीएनए माइंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है प्रस्तावना, प्रारंभ या आरंभ बोल दो, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रीएम्बल। बचपन से ग्रेजुएशन तक आपने कभी ना कभी प्रीएम्बल्स किसी बुकों में आपने देखा होगा, स्पेशली एनसीईआरटी बुकों में आपने जरूर देखा होगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन प्रीएम्बल मई 1950 को बना, या ये कहूं कि उसमें लगाया गया। भारतीय संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है प्रीएम्बल को, और ये दर्जा देने वाले शख्स हैं पंडित ठाकुर दास बहुगुणी। हरियाणा के हिसार जिला के रहने वाले हैं और भारतीय संविधान सभा के सदस्य हैं। प्रस्तावना में चार महत्वपूर्ण वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पहला जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फॉर्टिटी। जस्टिस का मतलब न्याय, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी का मतलब समानता, और फॉर्टिटी का मतलब बंधुत्व। अगर भारतीय संविधान के इतिहास की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था 15 अगस्त 1947 को, पास हमारे भारतीय संविधान की मांग की गई थी, और 9 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य चुने गए थे, जिनमें से प्रमुख नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय संविधान में 166 बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बन गया था। भारतीय संविधान को बनने में लगा टोटल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन का था, और 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में बनाया गया था। टोटल 285 सदस्य ने भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 15 महिला सदस्य थे। भारतीय संविधान में पहले जो हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जब हस्ताक्षर कर रहे तो हैरानी की बात यह थी कि बहुत ज्यादा जोरों से बारिश हो रही थी, जिसे शुभ का संकेत भारतीय संविधान के रूप में या भारत में माना जाता है। आगे और चलते रहते हैं, और वर्तमान में अगर मैं बताऊं कि भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 युग्म, 12 अनुसूचियां, 5 अनुलग्न और 104 संशोधन अभी तक हो चुके हैं। आपको एक और हैरानी की बात होगी कि भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसे हाथ के द्वारा लिखा गया है। 6 महीने लगे थे इसको लिखने में, और इसे लिखा किसने है? पंडित प्रेम नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। ये कैलोग्राफी थे, कैलोग्राफी वही होते हैं जो लेखनी का काम करते थे, लिखने का काम करते थे। पहले लोग प्रिंटर से काम ही करते थे, वो हाथों से द्वारा लिखते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे इन्होंने इटैलिक वर्ड में लिखा। आपको एक और रोचक बातें बताऊंगा कि इंग्लैंड से 303 नंबर का एक निब होता है, जो निब के रूप में पेन से लिखा गया था। इंग्लैंड से इसको मंगाया गया था। टोटल 254 पेन भारतीय संविधान को लिखने में लगे थे। जब पंडित नारायण जी से इनसे वेतन के रूप में पूछा गया, तो उन्होंने बोला मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पे इन्होंने अपने हस्ताक्षर की मांग की, और अंतिम पेज पे उन्होंने अपने गुरुजी और अपने दादाजी राय जी सक्सेना का नाम लिखने के लिए कहा। आगे चलते हैं, और भारतीय संविधान के दो और स्वरूप हैं। भारतीय संविधान का प्रत्येक पन्ना को आचार्य नंद बोस जी ने सजाया था, और उनके ही शिष्य व्योहर राम मनोहर दास जी के द्वारा उसके प्रस्तावना की जो डिजाइनिंग है वो इन्होंने की थी। मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रस्तावना लिखा था, और जब इनसे भारतीय संविधान से हस्ताक्षर के लिए कहा गया तो इन्होंने मना कर दिया। फिर आचार्य नंदलाल जी के निवेदन करने पे मात्र राम लिखकर छोड़ दिया।
इसी को चलते हुए हम अपने इस एपिसोड को विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। भारतीय संविधान की जो जानकारी है आपको सही लगी होगी। मेरा नाम करण झा, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।